साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय च धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 यदा हम सदैव सोचें कि हमारे साथ भगवान है, यही मैंपन को त्यागने की अति सरल विधि है। जब हम अपने आसपास परमात्मा की उपस्थिति को महसूस करते हुए अपने दिल की बातें उनसे करते हैं, उनकी नजर में रहकर हमारे कर्तव्यों को निभाते हैं, तभी हम अहंकार से मुक्त रहते हैं। हम न प्रभाव में आए न ही अभाव और स्वभाव में, तो हमारा जीवन उज्ज्वलता की ओर बढ़ता जाएगा। ओम शांति। कर्म बंधन, कर्म फल, इन सब से मुक्त सभी मनुष्य आत्माओं को कर्मयोग सिखाने वाले ज्ञान ज्ञानेश्वर परमेश्वर योगेश्वर स्वयं गीता ज्ञान दाता के मुखारविंद से उच्चारित अद्भुत गीता ज्ञान, जो मानव जीवन की हर पहेली को बहुत अच्छी तरह से सुलझाते हुए, बारीकी से उसका ज्ञान देते हुए, साधारणता, उत्तमता और अत्युत्तमता की ओर ले जाने वाली अद्भुत ज्ञान गाथा श्रीमद् भगवद् गीता, जिसके ज्ञान अमृत से हम मनुष्य आत्माएं अपने अंदर के अमरत्व की महसूस करते हुए, आत्मा के अनादि अविनाशी गुणों को जागृत करते हुए, देह भाव से छाई हुई सारे विकर्मों से मुक्त होने का जो अद्भुत प्रयास कर रहे हैं, और ये विश्वास भी है कि हम भगवान की इच्छा अनुसार कर्म फल से कर्मातीत बनेंगे, कर्मयोगी जीवन जीते हुए भारत को पुनः दैव स्वराज्य बनाने में सफल होंगे। सोच बदलेगा, इंसान बदलेगा, समाज बदलेगा, देश बदलेगा, तभी तो विश्व बदलेगा। मनुष्यात्माएं संघ के प्रभाव से सोच तो बदल लेते हैं, लेकिन वो सोच शाश्वत रीति से बदलता नहीं। मानव जीवन के लिए जो आदर्श चाहिए, उन आदर्शों के लिए हमें एक पक्का सोच चाहिए। वो पक्का सोच तभी हम अपना सकते हैं जब हम भगवान की कही हुई बातों को अपनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इतिहास में ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं, मानव जीवन में सरलता और सादगी बहुत कुछ करा सकता है। इसकी एक छोटी सी झलक है चंद्रगुप्त मौर्य, जो भारत के अखंड भारत के चक्रवर्ती रहे, उनके जमाने चीना से एक अमात्य आया हुआ था राजकार्य के बारे में बातें करने। चंद्रगुप्त मौर्य जी से मिला तो वो दंग रह गया, इतना शानो शौकत बातें हुई, वार्तालाप हुआ। उसके बाद वो निकला चंद्रगुप्त मौर्य जी के अमात्य आचार्य चाणक्य जी से मिले। उसने सोचा था महाराजा चक्रवर्ती की इतनी ठाट है तो मंत्री की भी होगी, अर्थात अमात्य की भी होगी। आचार्य चाणक्य जी के आश्रम पे वो पहुंचा, इतनी सीधा सादा जो आप सोच नहीं सकते, एक गरीब खाना जैसा लग रहा था। और आश्रम में जाते ही जैसे कि उठ के चाणक्य जी ने उनका सत्कार किया,
बैठने के लिए कहा। जैसे ही इन्हों की बातें शुरू हुई, उन्होंने एक दिया बुझाया और दूसरा दिया जलाया। और जैसे इनकी बातें खत्म हुई, जो जलाया हुआ दिया था उसे बुझा दिया, दूसरा जला दिया। तो अमात्य ने पूछा, ये क्यों? और ये भी पूछा कि राजा तो इतनी ठाट में है, आप ऐसे क्यों? उसने कहा, हर एक का अपना सोच है। मुझे अखंड भारत बनाना था, जन्मभूमि की सेवा करनी थी, लेकिन मुझे शानो शौकत नहीं चाहिए। मैं एक सन्यासी हूँ और सन्यासी जैसा ही रहूंगा, त्यागी हूँ मैं। और जो आपने कहा दिए की बात, दो दिए हैं, उसमें से एक दिया सरकारी है, एक मेरा अपना, अपने खुद की कमाई का। इसका उसमें उपयोग नहीं करता हूँ, उसका इसमें उपयोग नहीं करता हूँ। अपनी सादगी के बारे में भी उसने बताया। ये जो उदाहरण हम सुन रहे हैं, ये हुआ था, नहीं हुआ था, इतिहास में सच में हुआ था, बहुत सारे गणमान्य लोगों के जीवन में ये घटनाएं हम सुनते हैं। यहाँ हुआ था कि नहीं हुआ था, इससे मतलब नहीं है हमारा। मतलब हमारा ये है कि हम जिन आदर्शों पर जीना चाहते हैं, हम जी पा रहे हैं? जिन आदर्शों पर, जिन सादगी पर हम चलना चाहते हैं, वो चल पा रहे हैं? एक घड़ी, आधी घड़ी, एक दिन, दो दिन के लिए किसी को नकल कर लेना आसान है, लेकिन जिंदगी भर उन्हीं तत्वों के आधार से जीवन बिताना, उसके लिए अंदर से बहुत अच्छी दृढ़ता की जरूरत है, जो भगवान के साथ से ही हमें मिल सकता है। जैसे कि हम सुन रहे थे, हर कर्म के पीछे 5 कारण बताए हैं। उन्हीं कारणों की स्पष्टता करते हुए तत्रैव सति कर्तारमात्मनम् केवलं तु यः पश्यत्यकृत् बुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मति। ये सब नहीं जानते हुए हर कर्म के पीछे इतने सारे लोगों की योगदान है, ये अथारत नहीं पहचानते हुए जो कहता है कि मैं ही कर रहा हूं, मैंने किया, ऐसे जो मंदबुद्धि वाला या मूढ़मति है, वो दुर्मति को पाएगा, उसको दुर्मति कहा जाएगा। अर्थात हर एक को ये समझना चाहिए, मैंने किया, कुछ नहीं किया, अकेले ने कुछ नहीं किया, किया तो बहुतों का योगदान है उसमें, इसकी स्पष्टता हर एक को समझनी चाहिए। कितनी अच्छी बात है जब हम समझ लेते हैं इसके पीछे बहुतों का योगदान है, तब हमारे अंदर छोटी छोटी बातों में, मैंने इतना किया तो भी मुझे किसी ने पुचकारा नहीं, मुझे किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, मुझे महत्ता नहीं दी गई, है ना, ये सभी छोटी छोटी बातें अपने आप निकल जाती हैं, क्योंकि इसके पीछे मेरे अकेले का तो हाथ नहीं था, तो नहीं मिला तो नहीं मिला, इसमें क्या बड़ी बात है। और आगे चलकर जो भगवान बताते हैं, ये बहुत बहुत ऊंची बात है, यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वामि स इमान लोकान हंति न निबध्यते। वैसे श्रीमद् भगवत गीता को महाभारत युद्ध के बीच में लिया गया है, तो जो युद्ध हुआ उसको जस्टिफाई करने के लिए भी कहा होगा, फिर भी इसके पीछे की जो गहराई है, अगर युद्ध को एक पक्ष हम छोड़ भी देते हैं या इसका नजरअंदाज कर भी लेते हैं, वैसे तो हर एक का जीवन हर रोज एक संघर्ष है। इस संघर्ष के अंदर यहाँ पर क्या कहा गया है कि अगर तुम्हें पता है कि मेरे कर्म के पीछे मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा किस्मत है, दैव है, करण है, कर्त है, कर्ता है, बहुत सारे लोग हैं और मेरा ये शरीर है, ये सभी के आधार से मैं जो कर रहा हूँ और जो मैं ड्यूटी समझकर ये काम करता हूँ, किसी को मार भी दिया तो वो हत्या नहीं कहलाएगी। कृपा करके आतंकवादियों के लिए ये बातें इस्तेमाल ना करें। अभी समझिए, कोई मिलिट्री में है, कोई पुलिस में है, कोई बीएसएफ में है, कोई कहाँ है, उनको ऑर्डर आने पर गोलियां चलानी पड़ती है, मिसाइल्स उड़ाने पड़ते हैं, उनका खुद का कोई इंटेंशन नहीं रहता, ना उनके आपसी कोई शत्रुत्व है, व्यक्तिगत शत्रुत्व तो नहीं है, लेकिन जहां पर ड्यूटी कर रहे हैं उस ऑर्डर को तो उन्हें मानना ही पड़ता है,
ये जब ऑर्डर समझ के करते हैं तो उसका फर्क नहीं पड़ता। ये हमने कई बार याद भी दिलाया है, एडगर केसी के जीवन की बहुत सारी घटनाएं हम उल्लेख करते हुए ये भी बताया है, एक व्यक्ति का शरीर पूरा जलता था, कुछ भी करने से वो जलन कम नहीं होता था। एडगर केसी के सामने वो पहुंचा तो उसने कहा कि तुम पिछले जन्म में ना हिटलर के सेना के सैनिक थे, तुम्हारी ड्यूटी थी फांसी देना, तुम ड्यूटी समझ के नहीं करते थे, लेकिन तुम किसी को भी फांसी देते थे तो तुम सोचते थे कि बहुत मजा आता था तुम्हें, तुम खुशी खुशी से देते थे, जिसके कारण से तेरे शरीर की ये हालत। ऐसी बातें लिखत में देखने को मिल रही। तो भगवान जो कह रहे हैं इसका मतलब ये है कि अगर कहे माँ बाप कि बच्चे सुधरते नहीं है, हमें चांटा लगाना पड़ता है, ये जस्टिफाई हो रहा है क्या? चांटे के बिना भी तो बच्चों को सिखाया जा सकता है। जैसे युद्ध के लिए भी अगर कोई रास्ता नहीं बचता तभी तो अस्त्र शस्त्र उठाए जाते हैं। इसलिए ये जो बातें भगवान ने समझाई है, खुद के कोई पर्सनल इंटेंशन ना रखते हुए, व्यक्तिगत कोई भावनाएं नहीं रखते हुए, ड्यूटी समझ कर करना और ये सोच के करना, इसके पीछे बहुत लोग हैं, किसी का ऑर्डर है, किसी का, मैं तो लास्ट पर्सन हूँ जो बंदूक चला रहा हूँ, बंदूक चलाने वाले के पीछे कितने लोगों का सोच है ना, एक राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष मंत्री या फिर उनके जो सिस्टम है प्रोटोकॉल के अनुसार कितने लोग हैं, उनके ऑर्डर से मैं काम कर रहा हूँ, खुद का इंटेंशन नहीं है। इसी तरह जीवन में जो भी हम करते हैं, अच्छे कर्म भी करते हैं, ये तो एक बात है, युद्ध कर रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, मरवा रहे हैं, वो अलग बात है, हम अच्छे कर्म भी करते हैं तो कहीं अच्छे कर्म के घमंड हमें ना जाए, इसलिए भी ये सोच रखना जरूरी है, क्योंकि ड्यूटी तो ड्यूटी होती है, आप पीछे नहीं हट सकते, उस ड्यूटी को करते हुए पर्सनल चीजें उसमें नहीं लाना। कई बार हम क्या करते हैं, हमें कोई ड्यूटी मिली हुई है, समझे एक बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला है, प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, पास मिले हुए हैं, पास बांटने की बंटवाने की मेरी ड्यूटी है, प्रोटोकॉल के अनुसार मैं सभी को बांट देती हूँ तो मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता। अगर मैं सेल्फ इंटेंशन से, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, इनको मैं पहुंचाऊं, इनको पहुंचाऊं, आजकल हम यही देख रहे हैं ना, स्वजन पक्षपात, अगर ये आ गया ड्यूटी के बीच में, अपने कितना भी अच्छा कर्म किया हो उसका फल नहीं मिलेगा। आजकल हम बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें देख रहे हैं, न चाहते हुए भी हमारे कर्म विकर्म बनते जा रहे हैं। हमें अच्छा कर्म करने का बहुत बड़ा मौका था, कर सकते थे, लेकिन उसमें भी हमने स्वार्थ मिला दिया, जिसके कारण से या तो फिर किसी से कुछ ग्रज रहता है पर्सनल, उसे निकालने का ये समय निकाल लिया, ऐसे ना करते हुए। तब कहने को आता है कि हम महात्मा थोड़ी है, हम तो मनुष्य है, है ना, नमक मिर्च खा रहे हैं तो ये तो होगा ही, हम अपने आप की गलती को जस्टिफाई करते हैं, लेकिन भगवान साफ कह रहे हैं कि कर्म के पीछे ये जो पांच बातें हैं, इन बातों को याद रखिएगा, तभी आप कर्म फल त्याग आराम से कर सकेंगे, तभी आपके जीवन के जो भी सुंदरता है उसे आप बरकरार रखेंगे। जैसे परमात्मा ने हमें त्रैगुण्य के बारे में बताया ना, त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्तो निर्योगक्षेमात्मवान, एक बहुत सुंदर श्लोक है, ये जो सत्व रजस तमस है इनसे मुक्त बने। सोच चलता था कि ऐसे भी हो सकते हैं क्या, जब हमारे सामने हम भगवान का एक उदाहरण रख लेते हैं, क्योंकि भगवान तो निस्त्रैगुण्य है, इन तीनों गुणों से अतीत है, ना उसके लिए किसी के प्रति अच्छी भावना है, ना बुरी भावना है, ना खराब भावना है, वो तो सभी को इक्वालिटी से देखता है, समभाव है। शायद हम भी ऐसी स्थिति तक पहुंच सकते हैं, ऐसा एक विश्वास अगर हमारे अंदर जागृत हो जाए तो ठीक है, हम भगवान तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन भगवान जैसे जरूर बन सकते हैं। हर बच्चे को बचपन से एक सपना रहता है, आपको भी रहा होगा, बचपन में छोटे उम्र में
माँ बाप की चप्पल पहनना और कहना एक दिन है ना ऐसा यही चप्पल मेरा होगा, जबकि छोटे छोटे पैर होते हैं, इतने लंबे चप्पल पे हम आंख रखते हैं। दूसरा, मम्मी की साड़ी पहन लेना, पापा की घड़ी ट्राई करना, ये क्या है? एक साइकोलॉजी है। ये साइकोलॉजी है कि हम इन जैसे बने, आगे चलकर हम उनसे आगे भी निकल जाएंगे, लेकिन बचपन से हमारे आंखों में एक सपना बुना जाता है कि हम इन जैसे बने, क्योंकि बचपन में माँ बाप ही तो हमारे लिए हीरो होते हैं। लेकिन जब आगे चलते हैं हम, तो हमारे लिए जब भगवान हीरो बन जाता है, तो जो हमारे मन में अभी प्रश्न उठ रहा है, क्या हम ऐसे बन सकते हैं हर कर्म करते हुए उसके प्रभाव में ना आए बिना रह सकते हैं? हो सकता है। जब हम काउंसलिंग थेरेपी पढ़ते हैं साइकोलॉजी में, वहां पर एक एम्प्टी चेयर थेरेपी सिखाया जाता है। कई बातें जो हम किसी के सामने बोल नहीं सकते, तो हम काउंसलिंग में ये कहते कि सामने एक कुर्सी रख दो और सोचो इस कुर्सी में जो बैठा है उसे आप भगवान भी मान सकते हो या अपने कोई बड़े, उनके सामने बोलते जाओ तो आप खाली होते जाओगे और सामने वाला आपको जजमेंट भी नहीं करेगा कि तुमने ये कहा इसलिए तुम ऐसे हो। ये बहुत सा जगह काम आता है, बहुत जगह। मैंने ऐसे एक बुजुर्ग को देखा है जिनकी पत्नी की गुजर जाने के बाद वो अकेले हो गए थे, तो उनको ये सिखाया गया खाली कुर्सी के साथ बातें करो। खाली कुर्सी के साथ बातें करते हुए उनके मन में ये विचार डाला गया कि खाली कुर्सी में भगवान बैठा है। वो इतने खुश रहने लगे, इतने खुश रहने लगे, उनमें इतना परिवर्तन आया जो कोई भी डॉक्टर नहीं कर सका, वो इस थेरेपी ने किया। तो हम भी आपसे ये गुजारिश करेंगे, जब हम अपने सामने, अपने पीछे, अपने आजू बाजू में भगवान को पाते हैं, सर्वव्यापिकता के हिसाब से नहीं, लेकिन हम उनके मौजूदगी को महसूस करते हैं, भगवान है मेरे साथ, हम दिल की बातें करते हैं उनसे, और भगवान के नजर में रहकर जो हमारी ड्यूटी है हम निभाते हैं, न प्रभाव में आते, न अभाव में आते, न स्वभाव में आते, तब हमारा जीवन उज्ज्वलता की ओर बढ़ता रहता है। इसलिए कहा जाता है कि मैं कर रहा हूं ऐसा भाव नहीं रखो, मेरे हर कर्म के पीछे बहुत कुछ है, ये करा रहा है, वो करा रहा है, ऐसे नहीं कि सीधा भगवान करा रहा है, लेकिन मेरी डेस्टिनी भी है, मेरे पूर्व जन्म के कर्म है, मेरे इस जन्म के कुछ प्रभाव है, मेरा शरीर है, इन सब के कारण जो होता है। इसलिए मैंपन को त्यागने की एक बहुत सरल विधि है, सदैव सोचे कि मेरे सामने भगवान है। भगवान को सामने रखकर हम कब कोई गलत काम तो कर ही नहीं सकते, और हमारे अंदर सोच भी गलत नहीं निकलेगा, अभिमान भी नहीं आएगा। तो आप लोगों को क्या लगता है, ये पॉसिबल है? जी, क्योंकि भगवान ने कहा है तो पॉसिबल है, हो ही जाएगा। इसे विश्वास के साथ कि हर घड़ी भगवान मुझे देख रहा है और हर घड़ी मैं भगवान से बातें कर रहा हूं, और जो भी करता हूं भगवान को बता के करता हूं, मेरे इसमें कोई अपना अहंकार नहीं है, तो जीवन बहुत खुशनुमा लगेगा। ओम शांति। कर्म योग के ज्ञान दाता योगेश्वर परमात्मा के मुख अरविंद से उच्चारित श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसी अद्भुत ज्ञान गाथा है जो सभी मनुष्य आत्माओं को कर्म बंधन और कर्म फल से मुक्त करके कर्मातीत बनाती है। दर्शकों, हम सभी को यह ज्ञात है कि गीता का ज्ञान महाभारत के युद्ध क्षेत्र पर सुनाया गया था। वैसे तो आज हरेक का जीवन ही द्वंद समान है। इस जीवन रूपी संघर्ष में हमें अपने अच्छे कर्मों का अहंकार नहीं आना चाहिए। कर्तव्य को निभाते हुए यदि हम अपने स्वजनों के प्रति पक्षपात करते हैं तो हमें अपने अच्छे कर्मों का उचित फल नहीं मिलता। स्वार्थ या ईर्ष्यावश हम अच्छे कर्मों का अवसर भी गवा बैठते हैं और फिर न चाहते हुए भी हमारे कर्म विकर्म बन जाते हैं।
परंतु भगवान तो सभी के प्रति सदा शुभ भाव ही रखते हैं। इसीलिए हम सदा यही भावना रखें कि हर घड़ी भगवान हमें देख रहे हैं, हमसे बातें कर रहे हैं और हम जो कुछ कर्म करते हैं उनको बतला कर ही कर रहे हैं। अतः इस प्रस्तुत बातों को हमें गहराई से समझना आवश्यक है ताकि हम अपने खुशनुमा जीवन की सुंदरता को कायम रख सकें। ओम शांति।